अपनी मां की हत्या के आरोपी को कोटा पुलिस के द्वारा 2 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। आरोपी से घटना में प्रयुक्त टंगिया को बरामद किया गया। आपको बता दें, थाना प्रभारी उत्तम साहू को फोन के माध्यम से सूचना मिला कि ग्राम करका के सगनूदास मानिकपुरी अपनी मां को हत्या कर दिया है। सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी उत्तम साहू हमरा स्टॉप के मौका घटनास्थल ग्राम करका रवाना हुआ। ग्राम करका में मौका घटनास्थल पर जाकर देखने पर मृतिका कुंजमती अपने घर के आंगन में मृत अवस्था में पड़ी थी, जिसे पंचनामा कार्यवाही कर शव का पीएम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। आरोपी सगनू दास मानिकपुरी का पता तलाश कर अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया, जिसने बताया कि मेरी पत्नी सुमित्रा मानिकपुरी को शुगर का बीमारी है, जिसका इलाज कराने के लिए मेरी मां ने अपने पैर के साथी जेवर एवं माला को बेचकर सुमित्रा को 7,000 रुपए देकर उसके मायके ग्राम खरगहना भिजवाए है। सगुनदास मानिकपुरी अपनी पत्नी का इलाज कराना नहीं चाहता है, क्योंकि वे खान पान में परहेज नहीं करती है। इस बात को लेकर सगुनदास मानिकपुरी अपनी मां फूलमती को मेरी पत्नी को इलाज के लिए पैसे दिए हो कहकर अपनी मां को टंगिया से सिर के पीछे गर्दन व दाहिने गाल में मारकर हत्या कर दिया। प्रार्थी दिलहरण दास की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। मामले में आरोपी सगुनदास मानिकपुरी, पिता स्वर्गीय सोनदास मानिकपुरी, उम्र 20 साल, साकिन करका थाना कोटा जिला बिलासपुर को 2 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।